विज्ञान में एक बात कही जाती है आयुर्वेद में कि अगर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके शरीर में एसिड की जो मात्रा है वो 20% होनी चाहिए और अल्कलाइन की मात्रा 80% होनी चाहिए। ये स्वस्थ इंसान के लक्षण हैं। लेकिन आज भारत में कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अल्कलाइन घटते घटते 20% पे आ जा रहा है और एसिड बढ़ते बढ़ते 80% पे चला जा रहा है। एसिड की मात्रा जब बढ़ती है ज़्यादा तो कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड है एसिडिक हो जाएगा और उतना ही कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको पता है कैंसर जैसी बीमारी को एक इंसान बिना एक पैसे की दवाई के भी ठीक कर सकता है, बस उसको करना क्या होता है, लंबी गहरी सांस ले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे। लंबी गहरी सांस हमेशा जब कभी भी सुबह शाम समय मिले, आप घर में माताएं बहनें खाना बना रही, कोई काम कर रही हैं, बस आप अपने सांसों पे ध्यान रखो कि लंबी सांस लेनी है लंबी सांस छोड़नी है। अक्सर आप देखिएगा इस समय भी आप अगर अपने आप को देखिएगा आपकी सांसें कहाँ तक चल रही होंगी, आपकी सांसें यहाँ से यहाँ तक चल रही होगी, बस इससे ज़्यादा नीचे तक नहीं जा रही होगी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपनी सांसों को नाभि तक लेकर आइए, यानी लंबी सांस, ऐसे लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। लंबी सांस लेने मात्र से आपके शरीर में अगर कहीं कैंसर सेल्स बढ़ रहा होगा तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के बेस पे कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। आपको पता है भारत में हिमालय क्षेत्र से अमेरिका और कनाडा की कुछ कंपनियां हैं हवा भर कर ले जाती है और अमेरिका में कनाडा में बेचती है, जाकर बोलती है हिमालयन ऑक्सीजन के नाम से, और उस ऑक्सीजन को वहाँ के लोग मास्क लगाकर सिलेंडर लगाकर लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हम लोगों ने हिमालयन ऑक्सीजन लिया है, यानी प्योर ऑक्सीजन लिया है।